हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। इसमें 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर यानी 1 to 30 स्क्वायर दिए हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिए तो बहुत बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नियर बेस 50, 500, 5000 लाइक दैट। इसमें हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं, लेस देन और मोर देन। यानी लेस देन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम कोई फिगर है 47। अब 47 किस बेस के नजदीक है? 50 के नजदीक है, लेकिन ये लेस देन है तो ये यहाँ पे आएगी। इसी तरह अगर हम कोई फिगर ले लें 62, मान लीजिए हम ले लेते हैं 62, तो 62 किस बेस के नजदीक है? 50 के, लेकिन ये 50 से मोर देन है इसलिए हम हर एक में। अब इसी तरह कोई भी और दूसरी फिगर ले लें, मान लीजिए हम फिगर ले लेते हैं यहाँ पे 496, तो 496 कहाँ आएगा? लेस देन में आएगा। 496 हमने यहाँ लिया क्योंकि ये बेस 500 से लेस है, इसलिए लेस साइड में ले रहे हैं। इसी तरह अगर मोर वाले में हम लेंगे कोई फिगर तो वो मोर में आ जाएगी। मान लीजिए मोर में हम ले लेते हैं कोई फिगर 5012। अब 5012 5000 से मोर है इसलिए इस वाले कैटेगरी में लिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम कोई फिगर ले लेते हैं 4975, तो 4975 देखते से ही हमें पता चल रहा है कि ये 5000 के लेस है, इसलिए हम लेस देन में ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। और भी अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखना है तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम फिगर ले लेते हैं कोई 50026, तो 50000 मतलब 50000 के नजदीक है, तो 50026 यानी 50026 मोर देन 50000 है, इसलिए हम इसको मोर देन में ले रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम क्यों ऐसे कैटेगराइज कर रहे हैं। अब हमें 47 का स्क्वायर निकालना है, निकाल लीजिए। 47 का स्क्वायर निकालने के हम क्या करेंगे, इसमें इसमें फॉर्मूला क्या लगता है कि जो जिस बेस के नजदीक है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो ये किस बेस के नजदीक है? 50 के नजदीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 25। अब हम देखेंगे कि ये 50 बेस से कितना लेस है। 50 बेस से कितना लेस है फ्रेंड्स? 3 लेस है, तो 25 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप इसका आंसर ले लीजिए 22। अब राइट साइड आपको भरनी है, तो राइट साइड भरने के लिए 50 बेस से कितना लेस था? 3। 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। लेकिन यहाँ 2 डिजिट्स है, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट मेंटेन करने के लिए 9 नहीं लिखेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पे 09 लिखेंगे। और अगर यहाँ पे 2 डिजिट से ज्यादा आता तो हम उसको कैरी ओवर में यहाँ ले जाते, तो इसका कंसेप्ट ये है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। देखिए बातों बातों में इसका आंसर भी निकल आया, 47 का स्क्वायर इक्वल टू 2209। इसी तरह अब हम करते हैं 496 का। 496 किस बेस के नजदीक है? 500 की। 500 के नजदीक है, 500 का फटाक से हाफ कर दीजिए, 500 का हाफ हुआ 250, और 250 में से कितना लेस करना है? 500 से जितना लेस है, ये कितना लेस है? 4 लेस है, तो इसमें से 4 कम कर दीजिए। तो 250 में से अगर आप 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? कितना आ जाएगा? 246। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस साइड में, कितना लिख लेंगे फ्रेंड्स? 246। अब 246 तो हमने यहाँ लिख लिया लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड करना है, राइट साइड के लिए हम क्या करेंगे? कितना लेस था ये 500 से? 4 लेस था। 4 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 16। और 16 यहाँ पे तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट मेंटेन करने के लिए हम एक जीरो लगाएंगे, मतलब 4 का स्क्वायर भला ही 16 होता है लेकिन हम यहाँ पे डिजिट्स भी हमें मेंटेन करके चलना है राइट साइड में। जैसे यहाँ पर डिजिट मेंटेन की थी, एक जीरो लगाया था, यहाँ पे भी यहाँ 3 डिजिट है इसलिए 3 डिजिट मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे? 016। और फ्रेंड्स आ गया इसका आंसर, देखिए कितना आसान है, 496 का स्क्वायर 246016। अब देखते हैं हम एक 4975 का स्क्वायर। 4975 5000 के पास है, 5000 का हाफ कर दीजिए 2500, 5000 से कितना कम है? 25। 25 इसमें से लेस कर दीजिए, कितना आएगा आंसर? 2475। 2475 को यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट साइड में, 2475। अब राइट साइड की बारी आती है, तो कितना लेस था? 25। 25 का स्क्वायर कर दीजिए 625, बट 625 यहाँ काम नहीं बनेगा, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी इसको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 4 डिजिट्स के लिए एक जीरो तो पुट करना बनता है ना भाई, तो यहाँ पे 0625। देखिए कितना आसानी से हो रहा है ये,
आप देखते जाइए कितना आपको भी मजा आ रहा होगा। 4975 का स्क्वायर 2475625। अब करते हैं हम 62 का स्क्वायर, 50 से मोर, कितना मोर है, 12 मोर है। अब 12 मोर है तो 50 इसका बेस है, 50 इसका बेस है तो 50 का हाफ करेंगे, तो 50 का हाफ हुआ फ्रेंड्स 25, और 25 में 12 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस 12 37, यानी 37 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 37 लिख देंगे। अब ये हमारा लेफ्ट साइड मेंटेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना मोर था, 12 मोर था, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ पे तो टू डिजिट्स हैं, यहाँ पे मेंटेन करनी कितनी है आपको, टू डिजिट्स, और यहाँ पे कितनी आ गई, थ्री डिजिट्स। तो यहाँ पे टू डिजिट्स यानी 44 तो यहाँ लिखेंगे, और ये वन जो है वो कैरी ओवर में चला जाएगा फ्रेंड्स, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 7 प्लस 1 8 और 44 यानी 3844। तो देखिए फ्रेंड्स 62 का स्क्वायर का आंसर आ गया 3844। अब हम करते हैं 5012 का स्क्वायर। 5012 का स्क्वायर करने के लिए हम सबसे पहले देखें कि ये किस बेस के नजदीक है, 5000 के नजदीक है। पहले सबसे पहले 5000 का हाफ कर दीजिए फ्रेंड्स, 5000 का हाफ हो गया 2500। 2500 में अब देखें कि 5000 बेस से कितना मोर है, मोर मतलब प्लस, कितना मोर है, 12 मोर है, इसमें 12 प्लस कर दीजिए। अब ये कितना हो गया 2512, और 2512 यहाँ पे लेफ्ट साइड आपका कंप्लीट हो गया। अब राइट साइड भरना है तो क्या करेंगे हम, 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 144 होता है, लेकिन यहाँ पे तो थ्री डिजिट्स मेंटेन हो रही है, मेंटेन कितनी करनी है हमें, फोर डिजिट्स, 1 2 3 4, फोर डिजिट्स मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे एक जीरो पुट कर देंगे यानी 0144, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 0 1 4 और 4। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2512014। इसी तरह अब हम 50026 को करते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए 50026 का स्क्वायर करना है, 50000 की नजदीक है ये, 50000 का 2 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा, 25000। अब 25000 हो गया, 50000 से ये कितना मोर है, 26 मोर यानी प्लस, तो 25000 में 26 प्लस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 25026 यानी 25026। अब हम क्या करेंगे, 26 का स्क्वायर करेंगे। 26 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 676। यहाँ पे नंबर कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे थोड़ी थ्री डिजिट हो रही है तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए इसके पहले 20 लगा दीजिए। अब ये 5 डिजिट मेंटेन हो गया, और इसको राइट साइड में लिख दीजिए 00676, यानी फ्रेंड्स 50026 का आंसर आपका पलक झपकते ही आ गया 25026000676। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम नेक्स्ट उसमें आपको वीडियो लाने वाले हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नियर बेस 100 1000 10000 1 लाख, इस तरह से लाएंगे नेक्स्ट उसमें। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।